अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। हम आपको पदमपुर की एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस बंद दुकानों में घुस गई, इससे यात्रियों में मचा हड़कंप। राजेंद्रनगर से आ रही बस PB3D93 निवासी बेकाबू होकर बंद दुकानों में घुसी। सुबह 5 बजे की है घटना। बस वे दुकान हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला। पदमपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम हरवानी की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पंजाब रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर दुकान में घुसने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया तथा बड़ा हादसा टला। घटना पदमपुर मेन रोड रंधावा कोठी के पास की है, जहां रायसिंगर से आ रही बस नंबर PB30D93 सुबह 5 बजे बेकाबू होकर बंद दुकानों में घुसते ही यात्रियों में हाय तोबा मच गई और यात्री श्री राम का नाम लेने लगे। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगने से की जानकारी मिली है। बस वे दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।